दोस्तों मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरहाद मोबाइल सॉफ्टवेयर। आज मेरे पास आया है दोस्तों ये ओप्पो का A5 मॉडल जो अभी तक ऑनलाइन हो रहा था अनलॉक। ये देख सकते हैं इसके अंदर आप लॉक लगा हुआ है और इसका CPH भी दिखा देता हूँ एक बारी में, अगर ठीक से नज़र आ जाए तो। थोड़ा ये 1909 इसका CPH मॉडल नंबर है और ये इसका मॉडल है ओप्पो A5S। तो इसको मैं विदाउट ऑनलाइन और बिना मोबाइल को खोले ही इसको मैं अनलॉक करके आपको दिखाऊंगा और सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर इसको मैं अनलॉक कर दूंगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहें, पूरा वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरह से करना है और जिस ड्राइवर को हमें इंस्टॉल करना है वो ड्राइवर भी हमें इसमें प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए कंप्यूटर में, तभी हमारा बात बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको करना है स्विच। एक बार आपको दिखा देता हूँ ये लगा हुआ है इसका लॉक कोड। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे कर दूंगा स्विच ऑफ और उसके बाद हमें अपना खोलना है डिवाइस में, जो मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी पहले ही, ताकि ठीक से मालूम पड़ जाए जैसे ही हमारा मोबाइल कनेक्ट हो। ठीक है, और उसके बाद हमें खोलना है अपना MRT का सेटअप जो भी मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये MRT का सेटअप है 3.21, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ पिछला कि इसका सेटअप आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है और किस तरह से काम करेगा। तो हमारे पास ओप्पो का मॉडल है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ओप्पो के में जाना है, ओप्पो वाले फीचर में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक मॉडल आ रहा है A3, उसके नीचे ही है A5S सेकेंड वाला, तो इसे सेकेंड वाले पे हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए A5S आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमें 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटो करे से ऑटो लेने देना है और इधर ERASFRP लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है फॉर्मेट अनलॉक, तो हमें ये सेकंड वाले पे करना है फॉर्मेट अनलॉक पे। ठीक है, और इन दोनों से नहीं छेड़ना है, फॉर्मेट अनलॉक पे करना है और मोबाइल यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक देना है। अभी मैं मोबाइल इसके अंदर कनेक्ट करूँगा। मोबाइल कनेक्ट करने के लिए मोबाइल हमारा स्विच ऑफ है, हमें सिर्फ वॉल्यूम डाउन की की प्रेस करके रखना है और USB केबल लगाना है इसके अंदर। तो मैं लगा रहा हूँ, देखिए आप, ये मैंने वॉल्यूम डाउन की प्रेस किया और हमें ये दबाए रखना है प्रेस की, छोड़ना नहीं है। तो देखिए हमारा मोबाइल यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, मोबाइल की स्क्रीन भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए मेटा मोड आ गया लिखा हुआ यहाँ पर और ये ग्रीन स्क्रीन हमारा हो गया। अभी इसको मैं ऐसे रखा रहने दूंगा और ये हमारा यहाँ पे देखिए काम चल रहा है, फैक्ट्री रिसेटिंग रिबूटिंग ऑल इज डन, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ और अभी मोबाइल हमारा देखिए चार्जिंग मोड पर आ गया है। तो अभी हमें इसकी केबल निकाल देना है और मोबाइल अपना हमें ऑन करना है। आप देखेंगे मोबाइल से 2-3 मिनट के अंदर ही इसको अनलॉक कर दिया, जो पहले हवा बना हुआ था कि ऑनलाइन हो रहा है 700-800 रुपये में खुल रहा है, इसको सिर्फ मैंने 2-3 मिनट के अंदर ही अनलॉक कर दिया है। ये देखिए हमारा मोबाइल यहाँ से अनलॉक हो चुका है, अभी खुल रहा है, खुलने में ही 1-2 मिनट लेगा। तो इसको ऐसे ही होने देते हैं, अगर मैं वीडियो को थोड़ा पोस्ट करूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो फेक बन गया है, फेक बनाया हुआ है फराज ने, तो इसलिए मोबाइल थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को मैं कहीं पर ही पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, पूरा मोबाइल ऑन होने दूंगा, उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेसर बताऊंगा, ये 1-2 मिनट लेगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए मैं चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि मैं चैनल पर अपने रोज़ इसी तरह की एक वीडियो कम से कम अपलोड करता हूँ जिसमें अनलॉकिंग मोबाइल या फ्लैशिंग से रिलेटेड होती है। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मेरे सारे वीडियो इसी तरह के मिलेंगे, करीब 160 वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे आपको। देखिए ये हो गया, मैंने मोबाइल को थोड़ी वीडियो को मैंने कहीं पर ही बीच में कट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, मोबाइल एक साथ वीडियो बनाया हुआ है ताकि कुछ लोग ना कहें कि ये फेक है। तो देखिए आपने मैंने इसको किस तरह से आसानी से अनलॉक कर दिया है और इसका FRP भी चेक कर लेंगे, FRP अगर नहीं गया होगा तो उसका भी बड़ा आसान कोड है। बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
दोस्तों देखिए ये हो गया हमारा अपलोड वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।